बनने शुरू हुए। इसदियां पहले सब कच्चे सन, मिट्टी दे सन। इस सादरा दरिजां, इस सादरा जनाब छप्पर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सो सारे वालों सो। मैं इरफान जफर, तुसा तक रहे हो कश्मीर टीवी तकने। उस हो गए बड़ा चमकी धमकी गया जनाबे वाला। आज एक जा स्पेशल साढ़े दोस्त न उन्हें अफतारी रखी है, लेकिन अफतारी नहीं, बहुत ही खास वजह है जनाब के जिसा सो की पता कि मी मिट्टी ने घर बड़ा लगाव है मिट्टी दी चीज़ा नाल। तो पिछले साल मैं मर्ड हाउस बनाया सी, तो साढ़े बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे नफीस दोस्त हैं। तो उन्हें भी जड़ा वै ना माड़िया एक मर्ड हाउस तैयार किया अपने घर अपर पहाड़ा सैड जा रहे हैं जनाब दोबारा कश्मीर दर इंशाल्लाह। तो तुसा कि जुलने दसा अफतारी भी उत्थे कर सा। बाकी उन्हें वो जो घर तैयार किया ना बहुत ही यूनीक और प्यारा, उन्हें स्पेशल इनवाइट किया अज। तो असा हूँ सारे जा रहे तुझे दसने के कौन कौन साढ़े नाल जा रहा। आओ तो अज जनाब जरा उधर ना सफ़र करो और इंजॉय करो, मौसम भी बहुत ज़्यादा अज सोना है माशाल्लाह। तकड़े हो सो इसलिए जनाब है वाला वकास साहब, बगड़ू साहब, इंजीनियर साहब कुछ गए ना सुते डिगी च। इंजीनियर साहब दीदार कराई छोड़ो ना एक दोस्त और जाना फिर सफर जरा जारी हो सारी जनाब प्यारे दोस्त जनाब तक उड़ने उड़ने ले छने ने आदा ए उड़ने लेने ए आई गए ने आई गए ने आई गए ने आई गए ने। बहुत ही मजे की बारिश है बाहर निकी निकी लगी पी। आई लगना के रोजा साड़ा जेड़ा ना बड़ा ही खूबसूरत गुजर सी। ते अपरू फिर कश्मीर नियां सोहनिया सोहनिया वादियां, आ हा 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 क्या ही खूबसूरत और पुरसकून मंजर आज साढ़े व्यूवर्स की जनाब तकने वास्ते लब से अल्लाह ने फजलो करम ने नाल। इसला सा नांगी अपना बाजार है जेड़ा इत्थे खलते वे आ ते एदा इत्थु इंसान सा केक ते फिर जुलसा आदा जनाब केक भी आई गए ना अकील साहब की इंदाइक मैन दावे आसानी तरफों पर चलो जाई रिया ते खुशी ने मौके पर कुछ मीठा हो जाए माशाल्लाह जी। हुण असा बारो बार रोडा ने अपर निकले आ मीरपुर आली जड़ी बारो बार जासी रोड जड़ी घास जाई लग सी तक व्यू कितना सोहना इसलै कणकां ना ओ थल्ले बकरियां भी हैं कोई आदा जनाब नजर मारो हाँ बारिश भी निकी निकी लगी भी आज मौसम भी सोहना ते सफर भी अल्लाह ने फजलो करम ने नाल बहुत ही प्यारा उसी साड़ा ऐ तक हाँ पट्ठा चलन लगे है इट्टा बनन लगियां इसने अंदर वाह जनाब। हूँ असा पुछे रठोया रे आम ब्रिज ये वो पुल है जड़ा 100 साल तो बाद कंप्लीट हो सी ते साढ़े बच्चे ले बुढ़े हो सड़ना तो वह तक सन इस पुल है कि असा अपनी जवानी बड़ा पेच इस दुनिया में ना तकी सकने से मुकम्मल होना। इंजीनियर साहब क्या वजह है रठोईला पुल मुकम्मल किया नहीं होना 20 साल हो गए ने गुजरा भी है सा भया दे मैं ताई उठी दे बैठा ना हां क्या हो दे मैं पता सता जड़े इंतजार कर से ना 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 ऐडा जुल्म नहीं करना क्या करने हो का सा कोई महीना तक ऐसा नाम है लाओ दस्ती के एक थल्ला अपनी मछुए खिलाई दे पिलर दिया ना अच्छा एक मड़ा उस थोड़ा भाई असल फूल ही निखा है बड़ी बेड़ी है ये तो कोई इतना तो निखा जा गला खाली ला जी बड़ी बीच खिलाई जो तो रार पार चनी है रिसन बिचू। वैसे एक चीज है जनाब गुजरने उस पुल की तकी क्या है महसूस होने लगे आवे क्या महसूस होना भाई इरफान जी ये दसो ये बड़े इंजीनियर तुसा कोल आवन तो पुल मुकम्मल ला जी पुल तुसा दसो मैं 2 महीने च इंशाल्लाह मुकम्मल पुल तैयार जनाब साडी अपील है कि असे थोड़ा जा बजट दी ताजा है साडे इंजीनियर साहब इस पुल की कल ही मुकम्मल करने तक काफी ना सर सारी टीम हो सानो नाल है बिल्कुल जी ये तो हुन दस्ती होया सारा ये हुन दस रख रहे हो अगर कितने दिहाड़े से इतिहास है मुकम्मल हो जासी जनाब 2 महीने दो महीने उस तू बाद क्या उसी पुल है ना पुल जनाब बिल्कुल लते में जासे रात टेंपर लते में जासे थोड़ा कट करो चलो कुछ टंगा शंगा अप्रूव करेंगे स्कूटर करेंगे वो काने में गला नाल अलवाप गाना था मिठा किया काट माना हाँ वो ठीक है और तू सा जांस भी आओ तो मैं मनसा पुलारी ऊपर गुजरी सकना जनाब क्या गला नाली पकाना जड़ी कासना पुल जनाब
ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਯਾਛਣਾ ਥੱਲੇ ਮੱਝਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਇਸਲਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਮੱਝਾਂ ਛਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ बारिश जड़ी है थोड़ी तेज हो गई है नजर मारो हाँ स्क्रीन पर पता नहीं हूं क्या बनना आज साड़ा अफतारी ना अंदर तो जगह होता नहीं चाहिए नहीं है कौन सा भी नाच है कुदरती गाला तक उसे पड़ा इधर भी है हां ना जिधर भी जाने आसे पड़ा ही नजर आ रही है नजर मारो हां ए बहू साहब क्या वजह भाई आज पड़ा ही नजर आ रही है ना साइड पलाका ने मुकाम पर थोड़ी देर असा खलते हैं इतू व्यू भी बड़ा सोहना है दरियाए पुंछ जाई रहा है इसलिए जड़ा ए पे तकन लगे वे वो नजर मारो हाँ ये दरियाए पुंछ है ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਡਡਿਆਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਸਲੇ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣੀਆਂ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਈ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਰਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਰਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣੇ ਦੁਲਿਆ ਜੱਟਾਂ ਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗਰਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ इस वजह तो असा सफर जरा बड़ा स्लो हो गया वे चार बजे ना टाइम हो गया ते आले रोजे के स्टिल दो घंटे है तको कितना खूबसूरत ग्राम है किस तरह जंडा बूटे दरख्त हर चीज लगी हुई है खूबसूरती ने नाल कणका पर कितना अरूज है इसलिए इस ग्राम विच असा पुजी आए हैं माशाल्लाह बस काफी नेड़ा ਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਸਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਆਈ ਗਿਆ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਵਿਊ ਕਰਾਂ ਤੱਕੋ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੱਕੋ ਇਹ ਕਾਸਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਵੈ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਅਸਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੱਕਣੇ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੁਲੀ ਕਿਆ ਤਕਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਹੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਕਾਸਤ ਬਾਈ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁੱਜੀ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਸਤ ਬਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਾਸਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਆਏ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ जनाब मिट्टी ने कार तकने वास्ते आए जितना शुक्रिया अदा करो काटा के अपना इतना कीमती टाइम कड़ी इतना आए हो अच्छा जनाब ये दसो ए दसिए विकास साहब जनाब असा ए स्पेशल गिफ्ट अपने केव हाउस ते मैं मंगाई सी ए बत्ती लेकिन असा ए पेश करना चाहने तुसा ने मड हाउस वास्ते इसी कबूल करना पसंद कर दो इंशाल्लाह जनाब तुसा मिट्टी देसो मिट्टी भी कबूल आए फिर माशाल्लाह तो कितना प्यारा आया अरे मैं अपने केव हाउस ते मंगाई सी लेकिन मैं समझा के केव हाउस वाले रेडी नहीं होया ते ए कासत भाई ने इथे जेड़ा ना खूबसूरत लगी सी ਮਡ ਹਾਊਸ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਆ ਕੋ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਨਾ ਆਣੀ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਇਹ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਆਓ ਜੀ ਤੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸਤ ਭਾਈ ਨਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਕਰਾਸਾਂ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਸਕੂਨ ਗਿਆ ਤੱਕੀ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਸਤ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੇ ਪਤਾ ਕਿ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਲਾ ਸੋਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੱਕੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਆ
माशाला जी ये बहुत ही अच्छी गल है सुनी के बड़ी खुशी हुई है वे इंस्पायर हो उस माड़े मर्ड हाउस को क्योंकि यह सारा देसी कल्चर है इे ही साढ़े बजुर्गों ने आबाओ अजदाद ने जिंदगी रही है और असा अगर इस कल्चर नाल अजकल ने नौजवान अस प्यार कर साना तो असा कि अपनी वो पुरानी बजुर्गों की जिंदगी भी याद रही सी कि मॉडर्न जिंदगी असा घट तो पुरानी जिंदगी ज्यादा रह सकते जिंदगी बड़ी बेहतर रही सी क्योंकि माड़ी तो रूह ही कोई ऐसी है पुरानी जिंदगी नाल तो कासद भाई ने बिच वो चीज़ में तकी वरना के वह उस प्रोजेक्ट से इसलिए साड़ा वो करने सा ते लेकिन स्पेशल मैं आख्या कि जरूरत सा इन्हें यह भी आख्या कि जनाब तुसा अच सो तो इसनी ओपनिंग हो सी मैं ये भी जनाब ना शुक्र गुजार हाँ तो हूँ मैं आना जनाब जुलो के असे विजिट मैं एक गल इतना बासा कि मैं ना कि आया तुसा इतना ऐसो ओपनिंग हो सी और मैं ना कि यूट्यूब बिच अपना उस्ताद समझना और मैं चाहना भी ऐसा कि ऐसा कोई शागिर्दी रहा ऐसा कम करा और इतना अच्छा इन्हें भी वाकया पता लगे कि वाकया जरा शागिर्द माड़े कब लैन ते बाकी जनाब बहुत ही शुक्रगुजार हाँ मैं ना और इतना और लोगों भी आया कि तुसा जरा ना अरफान जफर की कापी करने हो मैं उन्हें कि यह बोना चाहना कि हाली कापी नहीं जनाब फुल कापी करी रहे इन्हें कि जो लोग आने ना कापी करने उन्हें बोना चाहना कि असा इन्हें की तकी और इन्होंने फुल कापी करने माशाला जी अच्छी गल है जिसका कासद भाई अपने पुराने कल्चर की जिंदा करने कोशिश की है माड़ी इस तू पहले कोशिश रही है पिछले साल सौ की पता और हूँ भी कोशिश है और बेशक कापी करन और एक खुशी नहीं गल है कि कापी करी रहे एक अच्छी चीज़ की कापी करी रहे बजाय इसने कि कोई नेगेटिव चीज़ बंदा कापी करे एक अच्छी चीज़ जी सोसाइटी ते माशरे ते बेहतर आवे मैं समझना वा कि वो सब तो बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह कासद भाई मैं तुझे अप्रीशिएट करना और जनाब की मुबारकबाद भी पेश करना तो आओ इन्होंने घर ना जनाब तुसा की व्यू कराने हैं तको हाँ माशाल्लाह पहले तो इसका रहनी दीवारा तको कितनी सोहनिया ने यह लगना कुछ स्पेशल इंजीनियर लाई रखे ने बिल्कुल जनाब ये जो इंजीनियर सन उन्होंने बड़े भाई सन बाबू हफीज साहब वो इतना ना लचने रहे हेल्प वगैरह कराने रहे जितनी दीवारा बनाई उन्होंने अच्छी तरह बनाई ठीक है ये केले ने दरख्त उपाय लेना सी या कोई ऊन लाया है जनाब भाई जैसा सुबह सुबह लगे रहे ताजा लाया कि ये फ्रेश फ्रेश ही अच्छा 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 माशाल्लाह जी माशाला जी हूँ असा घर अंदर इंटर हो चुके हैं कासद भाई ने बुजुर्ग माशाला इन्हें तक की बड़ी खुशी हुई है इधर कासद भाई ने दोस्त ते इन्हों को भी जनाब इंजीनियर साहब इधर अच्छो ना जी इन्हें थोड़ा जूम करके दसिया जनाब भाई ए कासद भाई ये तुसा ने इंजीनियर है प्रोजेक्ट इंजीनियर ही है ये प्रोजेक्ट इंजीनियर इस तरह मतलब सारा कारनामा इन्हें अंजाम देता अल्लाह खैर करे एक इंजीनियर साहब साढ़े को कदा बूटिया पर कदा गारा च कद कुर ते माशाला है कासद भाई ने घर है सो तको कितना खूबसूरती ने इन्हें डिजाइन किया वे ते कासद भाई ये बड़े रौनक मेला लाए जनाब अज कोई स्पेशल माड़ी खुशी बिच इसे सजाए जनाब बिल्कुल अगे जसाना जरा रौनक मेला ना मैं हकीकत बाना जेडे तुसा इतना आए होना मैं समझना कि इस रौनक मेले नाल और रौनक मेला ज्यादा है अच्छा यकीन मानो तुसा इतना अच्छे होना तो असा अपने लजे आने होने के दिल बाग बाग हो जाए अलहमदुल्ला तुसें तकी तो दिल भी बाग बाग हो जाए इे गल है कासद भाई असा भी ता ही वजह तू आए जनाब के तुसा ने एक प्यार मोहब्बत है वरना तो तुझे पता हजारा बंदे सारे ने इज्जत करी ना प्यार मोहब्बत लेकिन कोई कोई बंदे होने जो दिल चंगे लगने या क्लोज बनी जाने तुसा ने स्पेशल आदतं मिलनी तुसा जल्द फर्स्ट टाइम माड़े को गए सो मर्ड हाउस पर मैं उसे तकी कहता सी कि तुसा इस चीज ने नाल बड़े अटैच हो देसी माहौल ने नाल तो उस तो बाद तुसा ने माड़ी दोस्ती तुझे खुद ही पता कि कितनी गहरी है अलहमदुल्ला माशाला जी इन्होंने घर तुसा पूरा तकी सकने स्पेशल इन्हें लिखी के भी लाए आवा ये तुसा खुद लिखिया जनाब या जनाब बाबू हफीज साहब इंजीनियर साहब ने बड़े पाए इंजीनियर साहब ने बड़े पाए जनाब उन पर भी कैमरा मारो उन स्पेशल जनाब जी जी बड़ी खुशी होनी है तको जी मिट्टी ने बर्तन बड़ा सोहना इन्हें सजाया वे उस तो बाद एक ऐसा बत्ती आंदी है लेकिन लगना है कोई साढ़े थ्रू बड़ा दीवाना इन्होंने है जरा बत्ती गिफ्ट दे माशाला जी बड़ी खुशी हुई है इतना ठीक है ते आज क्या आने कोई अफतारी शरीर खवालसो या सारे चलो जी
घर तुसा सारा व्यू किता, इना बड़ा सोना बोर्ड लाया वे जनाब वाला इरफान जफर को वेलकम करते हैं। इस ग्रां ना क्या कासिद भाई ऐसा आख्या कहता से कोई ना बोलने विच ना कोई गलती ना कोई मसला नहीं। दुलिया जट्टा इस जड़ा सना ग्रां सना ना दुलिया जट्टा आया माशाल्लाह। इथे मैं पहले ही बड़ी बारी आया तुसे पता कासिद भाई ने कर दो त्रै बार, लेकिन अज असा स्पेशल जनाब इना आख्या सी के इस घर नी ओपनिंग करनी है और इफ्तारी इथे ही है साड़ी, तो चलो इंशाल्लाह इंतजार करने आ इफ्तारी तक, तो उस तो बाद कासिद भाई को इजाजत है। माशाल्लाह कासिद भाई ने वाले देना ते मैं क्या इन्हां नाल भी थोड़ी जी गुफ्तगू करना, तो और सुनाओ सेहत ठीक है तुसानी? ते माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है तकी कासिद ने सारी जगह बनाई, ते तुसा ते माशाल्लाह इस जिंदगी विच रहे हो तुसी ते बेहतर पता उसी कहणे हो उले भी जिंदगी इसे तरह सी जिस तरह छप्पर बनते आ या मिट्टी ना घर बनते आ वे। बिलकुल जनाब, एदियां पहले कोई पक्का मकान नहीं सी, ठीक है ना जे। ते ए पक्के बनने शुरू हुए, इसदियां पहले सब कच्चे सन जे, मिट्टी दे सन। इस सतरा दरिजा इस सतरा जनाब छप्पर ठीक है बगैरा सारा कुछ इस सतरा सी सादा माहौल। सतरे बाड़िया ने भी ची कणक कैप्चा लगी बिलकुल, ते ए ता हुण पक्के ता हुण बनते पहले पक्के शक्के कौन सी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है तुसा नाल मिली के, ते इन्हां ने गुफ्तगू सा सुनी हो सी, ते चलो इंशाल्लाह इफ्तारी ना इंतजार करने आ। स्पेशली ना हमारे ते गिफ्ट तैयार किता सी, ए तो कहो कितना खूबसूरत गिफ्ट है, ते हुण ए जनाब पेश करना चाहने। इस गिफ्ट ने हवाले ना कुछ दसो ने किस तरह तैयार किता जनाब? ये जी देसी देसी माहौल सी, ते मैं भी देसी गिफ्ट तैयार किता देसी स्टाइल ने वे देसी स्टाइल जी अपर लहाई भी किता ने जी जी माशाल्लाह। तको जी इरफान जफर साहब लक्ष्मी साहब खान रहने तको मैं कैसा जड़ा ना माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेकिन इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक बड़ी खूबसूरत जगह पाक जगह बड़े खुश नसीब हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी तुसान। वसलम अलैका या रहमतल आलमीन माहे रमजान रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो। अलहमदुल्ला जी अफतारी भी होगी तुसा की कासिद भाई ने मिट्टी ना कार भी दसिया सारे बड़ा ही प्यार दिता जनाब, ते कासिद भाई बहुत शुक्र गुजार हाँ तुसा ना जनाब। ते हूँ कासिद भाई ने घर बैठे हुए हैं, ऐसा चाह पीण लगे हैं मठिया ही नहीं है, बबलू साहब को मजा आया नहीं आज जबरदस्त चाहिए सी बाकी कह रहा। चलो जी अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे इन्हें मकसद इन्हें कोशिश की अपने कल्चर की उजागर करने नी, ते अल्लाह पाक सलामत रखने ना की। ते आज इन साथ को इजाजत अल्लाह सोने वाला है अपनी दुआ याद रखे।